नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भाजपा की जब से सरकार आई, सारी भर्तियां बंद हो गई, सारे आईटी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये वादा किया है कि ज्यादा से ज्यादा पद युवाओं के लिए खोले जाएंगे और एक साल के अंदर वो सारी भर्तियां हो जाएंगी। लगभग 30 लाख से ऊपर भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर माननीय अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। तो सर, ये बदलाव इस बार हो रहा है पक्का 100%? कौन सी पार्टी हावी हो सकती है? यहाँ कोई पार्टी नहीं है, वो तो दो नंबर की लड़ाई लड़ रहे ये समाजवादी पार्टी की धरती है और समाजवादी लोग हैं यहाँ, ये ईमानदार लोग हैं, यहाँ कोई बिकाऊ नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनके माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बना के यूपी का विकास कराना है, सर नौकरी देनी है, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देना है, 300 यूनिट बिजली फ्री करना है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल झूठे वादे किए इन लोगों ने, कोई काम नहीं किया था आम जनता के लिए। आम जनता के लिए काम माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी सरकार हो सकता है, दूसरी सरकार में नहीं होता। तो आपका नाम क्या है? इंद्रदेव यादव। तो आप यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं? जी जी जी, पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार इस बार जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, विधानसभा चुनाव, इसमें किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश की। क्यों अखिलेश की? अच्छे काम करते हैं, अच्छे आदमी है, अच्छे काम करते हैं। अच्छा, क्यों योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया? क्या काम किए? कोई काम नहीं किए हैं। तो कुछ हमें अखिलेश यादव की कुछ गणना बता दीजिए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ अखिलेश सरकार के कार्यकाल के बारे में कुछ बता दीजिए। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में बहुत से काम किए हैं, अनेकों काम किए हैं, मेट्रो बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, बहुत काम किए हैं। और ये बताइए कि याद भी दिए हैं लोगों को। अच्छा, ये जो 5 साल जो अभी बीता है बीजेपी सरकार का, ये बताइए कि सबसे अच्छा विकास का कार्य कौन करता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, तो जब आप प्रधान थे उस टाइम किस किस सरकार थी? भाजपा की थी। तो उस टाइम आपने क्या क्या विकास किया? कोई विकास नहीं किया। क्यों? शौचालय बनवा दिए, पानी के ठिकाने नहीं है, शौचालय के 12 रुपया दिए, शौचालय बन गया, लोग खेतों बनवा दिए, कोई यूज नहीं करता है, सब बेकार है, उसे बेकार पड़ा हुआ है। चलिए, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब योगी सरकार से नाखुश हैं और ये लोग पुनः फिर से अखिलेश सरकार को लाना चाहते हैं। एक बाबा हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, मैं उनसे पूछूंगा। चाचा, आपका नाम क्या है? राम रूप। इस बार किसकी सरकार आ रही है? अरे, जो सरकार बात नहीं रही। कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखाएंगे। एक गमछा क्यों लगाए? हाथ कटा है मेरा। कैसे हाथ कट गया? बिजली से आपका हाथ कट गया? तो ये कब का घटना है? 2016 का है। इससे आपको सरकार से कुछ व्यवस्था चाहे कुछ अनुदान मिला? नहीं मिला है। किसकी सरकार थी जब कटा था? तो अखिलेश की सरकार थी। तो अभी आप मतलब एक हाथ आपके पास नहीं है और उसके बाद भी आप मतलब अखिलेश की सरकार थी और उस टाइम आपका हाथ कटा था, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला था, फिर भी आप अखिलेश सरकार की मांग कर रहे हैं कि वही फिर से पुनः सरकार बने, ऐसा क्यों? अच्छा था वो सरकार, सही था सरकार, कुछ लाभ मिला था, मान के चलिए हमेशा नहीं ना मिलेगा। अगर उस सरकार में रहते तो लाभ मिलता, नहीं थे तो कैसे मिलेगा, दूसरी का सरकार होगा तो। चाची, क्या नाम हो? हमारा नाम फातिमा है। फातिमा, ये बड़ा के सरकार बनी? सरकार जी का सब गांव भर कर तो हम वही जा रहा। रौरा के सरकार बनाओ तो नहीं? हम तो दुकान साइकिल वाला बाबू आ रहनी है। अच्छा, हाँ, साइकिल वाला हमारा कहनी है। हाँ। तो हम नहीं के दे दे। आप फिर कहीं कमल वाला आ जास तो? हम केहू का रखी जा रहा। कमल वाला के नहीं जाना? हम केहू का कुछ नहीं किया साइकिल के छोड़ के। कमल पे मोदी के योगी के कमल है, भुला गई नहीं? तक मोदी के कौन का? एक भाई साहब है जो वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, सब्जी बेच रहे हैं गांव गांव घूम करके। मैं इनसे पूछूंगा, सबसे पहले आपका नाम क्या है? संदीप जायसवाल।
अच्छा, आपका नाम संदीप जायसवाल है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस किस सरकार बन रही है? हाँ, किस किस सरकार? अरे मुलायम का, मुलायम साइकिल छाप को, साइकिल छाप का मतलब अखिलेश का। हाँ। सुनिए सुनिए, लेकिन मत भागिए, ये बताइए कि क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? अच्छा, महंगाई ज्यादा बढ़ रहा है, ये बताइए। हाँ। कि योगी सरकार क्या मतलब काम नहीं कर रहे हैं? योगी सरकार का सब नेता थे, महंगाई बढ़ा रहे, गरीब के खैले में मुड़ा रहे हैं और क्या। अच्छा, ये बताइए गाँव गाँव जो राशन मिल रहा है फ्री का, वो कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है। मोदी दे रहे हैं, तो वो भी तो भाजपा के ही है। तो भाजपा के हैं तो इसके लिए महंगाई नहीं देख रहा कितना। अभी एक पहले 100 रुपये का मिल रहा था, जो कोई जो दिन भर 300 रुपये मजदूरी करेगा तो 200 रुपये का तेल 1 लीटर लेके जाएगा वो घर पर, तो वो खैले में अब गरीब नहीं मरेगा। इस कोठा गांव में मैं आया हूँ और एक बाबा जी हैं जो अभी भिक्षा मांग रहे हैं शायद। तो बाबा जी आपका नाम क्या है? मुन्ना उघड़। मुन्ना उघड़। मुन्ना उघड़, थोड़ा सा ऐसे घूम जाइएगा, कैमरे में आ जाए आप। ठीक। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? अरे साहब, सरकार तो सबका बना बगे, ये बरा तो बीजेपी या फिंची। फिर से बीजेपी आएगी? तो क्यों बीजेपी आएगी? पूरा जनता का मूड वही पर। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? हम किसको बोले? आप किसको वोट देंगी? साइकिल। साइकिल पे अखिलेश यादव को? क्यों, योगी सरकार अच्छा नहीं है? योगी सरकार भी अच्छा है, मगर हम लोग को क्या देख रहे हैं? कुछ दिखते हैं? कुछ नहीं। क्या देखते हैं बताइए? पैसा देते हैं, इतनी महंगाई है, हम लोग को टूटा फटा घर है। चाची आपका नाम क्या? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, ये बताइए कि किसका सरकार इस बार आप लोग बना रहे हैं? साइकिल छाप। साइकिल छाप के कहाँ है? साइकिल छाप के कहाँ है? अब सब दुनिया वहीं पर कहता था, हम वहीं पर। क्या क्या मिला आपको यहाँ योगी सरकार में? राशन मिला और क्या मिला, और कुछ नहीं। राशन मतलब योगी सरकार में आपको फ्री राशन मिला है, तो क्यों अखिलेश सरकार आप चाह रही हैं? कहाँ है अखिलेश सरकार? दुनिया का भला होता, पीछे हमको भी भला। अच्छा, लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार आएगा, तो आप ही उसमें कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार आएगा, लेकिन आपके लिए कौन सी पार्टी है चाहे कौन सा नेता है जो आपके लिए कुछ किया है? आपका घर मैंने दिखाया इस वीडियो में, थोड़ा ये दिखाइएगा इनका घर। तो कौन से लोग आपके जो नेता हैं जो कुछ आपके लिए किया है, कौन है वो? कोई नहीं हमारे लिए किया है। कोई नहीं किया है, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी हो, कोई आपके लिए कुछ नहीं किया है? नहीं। और हमारे साथ हैं कोठा गांव के ग्राम प्रधान, तो योगी सरकार से आपको क्या दिक्कत आई है जिसको लेकर के आप अखिलेश सरकार की बात कर रहे हैं? योगी सरकार में जो भी अस्पताल पर, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि 2021 में खुद हमारे भाई कोरोना के पेशेंट हुए, उसको मैं अपने भाई को 22 दिन गोरखपुर में इलाज कराया, जो 300 रुपया में ऑक्सीजन एक सिलेंडर का इस समय 300 रुपया में भरा जाता ऑक्सीजन, उसमें 12 से 15 हजार रुपया ब्लैक में महाराजगंज सिद्धार्थनगर कहीं से मिलता था, हर गांव के लोग ढूंढ कर ऑक्सीजन का व्यवस्था करते थे। अच्छा, ये बताइए कि ये स्पेशल बीजेपी की सरकार करती थी कि अखिलेश सरकार भी ऐसे करती थी? नहीं, अब अखिलेश सरकार में तो नहीं हुआ, कोरोना आया है बीजेपी में, लेकिन बीजेपी सरकार केवल पेपरबाजी और केवल उल्टा सीधा हाईलाइट की व्यवस्था कर रहा है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। भैया सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जय कुमार जायसवाल। तो जय कुमार जायसवाल जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? भाजपा की। भाजपा की सरकार बना रहे हैं, क्यों अखिलेश अच्छा नहीं है? अब किसी को अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल भाजपा की सरकार अच्छी है। भाजपा की सरकार में ऐसा क्या हो गया है जो अखिलेश सरकार ने नहीं किया? अखिलेश सरकार से बहुत ज़्यादा ही भाजपा सरकार ने काम किया है, रोड देख लीजिए, राशन देख लीजिए, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत लोग का कहना है कि जो अखिलेश सरकार ने जहाँ पे नेव रखा उसी का काम भाजपा सरकार ने उसको बनाने का काम किया, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसने किया वही किया है, भाजपा सरकार ने ही अपना नेव रखा है, भाजपा सरकार ने ही अपना। योगी जी को
योगी जी की सरकार अभी तो है ही है, फिर बनेगी उनकी सरकार, उन्हीं की बनेगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आ रही है। अरे आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो भाजपा की सरकार बनाएंगे भाई। तो भाजपा में योगी जी का जी, तो जो भी आएगा उसको वोट देना है, चाहे बीजेपी से कोई नेता हो, कोई भी नेता हो। नाम बता दीजिए। अश्वनी अच्छा रहेंगे कि अश्वनी अच्छा रहेंगे कि गुटन अच्छा रहेंगे कि सभा कुंवर अच्छा रहेंगे बीजेपी से, बताइए। हमारे लिए तो अश्वनी भैया ही अच्छे हैं, अश्वनी जी अच्छा रहेंगे। वो हमारे क्षेत्र में बराबर आते हैं जाते हैं, हम लोगों का हाल चाल पूछते हैं। क्या नाम है? रमजान अंसारी। अच्छा, आपका नाम है रमजान अंसारी। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव है, इसमें किस किस सरकार आप लोग बनाने वाले हैं? मुलायम के, अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव का, क्यों अखिलेश यादव को बनाना चाहते हैं? क्या मतलब कुछ उनका खास है? खास ये है कि बोलू हम लोग खास आदमी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद इसराफिल। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का सरकार इस बार 2022 में जो चुनाव चल रहा है, इसमें किस किस सरकार बनने वाली है? जी सरकार जिसकी भी बने हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, मगर हमारा उपाध्याय जी रहेंगे, हम उनको वोट देंगे। आपका नाम क्या है? सन्नी पांडे। आप किस गांव से? बड़ेपार पांडे। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये झंडा वगैरह लगा कर रखा है, ये पूरे विधानसभा में आप सुबह से लेकर शाम तक कितने गांव घूम लेते हैं? जितना गांव घूम ले, बस दीवानगी है विधायक जी के लिए और अखिलेश यादव जी के लिए। ये मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको कवरेज किया। कवरेज करने की बात नहीं है, आप एक कवरेज लायक हैं। आप जो काम कर रहे हैं, एक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो एकदम खास कार्यकर्ता, जो एकदम दिलो जान से मेहनत करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार सपा की आ रही है, हमारे श्री आशुतोष उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और सपा सरकार आनी है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बहुत है, इसलिए हर एक आदमी चाहता है कि सपा सरकार आए। और यहाँ से भाटो विधानसभा 340 से हर एक युवा, हर एक नौजवान, हर एक बूढ़, मतलब सबको, सब मतलब आशुतोष उपाध्याय है, यहाँ सब विधायक हैं। यही इनमें है कि इतने दीवान के, देखिए आप, ये सारे विधायक जी के दीवाने हैं, अखिलेश यादव के दीवाने हैं, ये जितने लोग हैं सपा के कार्यकर्ता हैं, जो एक मोस्ट कार्यकर्ता हम इनको मानते हैं सनी पांडे जी को, जो साइकिल पे पूरा साइकिल का ये झंडा, थोड़ा सा ये सब दिखाइएगा, ये सब लगा करके और दिलो जान से मतलब ये पूरे क्षेत्र में घूमने का काम करते हैं। और इनका कहना है कि इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है, योगी सरकार इस बार पतन है, और बहुत ही गर्व से ये कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि और भी कार्यकर्ता यहाँ पे, मैं उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? रामबलि यादव, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ से अब की बार जो हम लोग पैदल विधायक जी के साथ घूम रहे हैं, गांव का जो रुझान है, उम्मीद है कि हम लोग 1,00,000 की पार हो जाएंगे। ये बताइए इस बार मतलब सपा की सरकार बनने वाली है? हाँ, ऐसा है कि सपा की सरकार बनने वाली इसलिए है कि जो भी रोजगार थे वो बंद हो गए, जो भी लॉकडाउन में जो घर लोग आए वो फिर लौट के नहीं गए। उसके बाद से आप पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, गैस की महंगाई देख लीजिए, सरसों तेल की महंगाई देख, रिफाइन की महंगाई देख लीजिए, अरहर की दाल की महंगाई देख, कोई चीज़ इसमें सस्ता नहीं है। बिजली का बिल सीधे 500-600 रुपया हो गया है। अखिलेश यादव जी का कहना ये है कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 300 यूनिट बिजली फिर करूँगा, उसके बाद से 1500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन दूंगा, गन्ना का पेमेंट 15 दिन में दूंगा, और रोजगार आईटी क्षेत्र में 22,00,000 और सरकारी क्षेत्र में 10,00,000 रोजगार, यानी 32,00,000 रोजगार मैं दूंगा। नाम जानना चाहूंगा? मैं अनिल सिंह तोमर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी जनपद देवरिया, ग्राम प्रधान छपरा बुजुर्ग। अच्छा, ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी आ रही है? इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, और हम लोग के चाहते विधायक माननीय आशुतोष उपाध्याय जी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं साथियों। और मैं बता दूं कि यह पंडित कामेश्वर पौधा की कर्म भूमि है, यहाँ पर इन्होंने अपने खून पसीना से कार्यकर्ताओं को सींचा है। यहाँ पर किसी पार्टी की लहर तो चलती है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से पंडित कामेश्वर पौधा का कर्म भूमि है, उन्होंने बनाए हुए हम लोग कार्यकर्ता है। आज माननीय आशुतोष उपाध्याय उनके पुत्र के साथ घूम रहे हैं, हम लोग समर्पित है उनके साथ। और मित्र मैं बता दूं आपसे कि यहाँ पे सपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है, सुत भैया बहुत बहुत अधिक वोटों से जा रहा है। एक चीज और जानना चाहेंगे, ये बताइए यहाँ की दो नंबर की पार्टी कौन सी रहेगी?
भैया यहाँ दो नंबर की बहुत मैंने बहुत लंबी दूरी हो जाएगी। अब इसमें हमारे कहने एक नंबर की पार्टी तो आप अपने बता दिए कि आपके सपा ने जो है अपना रिजर्व करके रखा हुआ है, वो तो हटने वाला नहीं है, लेकिन लड़ाई तो उसी से है, लड़ाई तो उसी से है, सपा से ही चाहे जो ही पार्टी आएगी, लेकिन दो नंबर की पार्टी कौन रहेगी बताइए। अब भैया मेरे समझ से अभी तक क्यों यानी बीजेपी ने आशुतोष उपाध्याय के सामने कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। अगर विकल्प ढूंढते तो बताता हूँ, नहीं तो यहाँ पे हमारे हिसाब से दो नंबर अजय कुशवाहा रहेंगे। क्या बात है, चलिए बहुत ही अच्छा है, इन्होंने मुझे बताया कि जो दो नंबर की प्रत्याशी हो सकता है तो पार्टी अजय कुशवाहा यानी बसपा हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ सत्येंद्र शर्मा। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।